साथियों, मैं खासतौर से यूथ से बात करना चाहता हूँ। वैसे अमरा राम जी के बारे में पूरा राजस्थान का लोग अमरा राम जी को जानते हैं। अमरा राम जी वो व्यक्ति है जिन्होंने इतने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। किसी से भी बात करो कि किसानों के मुद्दे पर कौन लड़ता है, बच्चा छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसके मुंह से सिर्फ अमरा ही नाम निकलता है। कोई महिला हो, नौजवान महिला हो, वृद्ध महिला हो, कोई भी हो, अमरा राम ही नाम निकलता है। अमरा लड़े हमारे लिए, और जब भी लड़ाई होती है किसानों की, बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष बाहर निकलते हैं, आंदोलनों में भी आते हैं, मगर जब वोट का वक्त आता है फिर बीजेपी कांग्रेस के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? मेरी आपसे गुजारिश है, सीकर लोकसभा की जनता से, आप एक गलती रेगुलर करते आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस गलती को सुधारें। अमरा राम जी को आप जानते हैं, सीपीआईएम को जानते हैं, उनका पैसा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस कैसा जलवा आपको नहीं दिखा सकते हैं, मगर जो ये काम करते हैं वो बीजेपी कांग्रेस के लोग कभी नहीं कर सकते हैं। आपके जिंदगी से जुड़े सवाल, आपकी जिंदगी से जुड़े मुद्दे, आपके किसानी से जुड़े मुद्दे, आपके कर्जा माफी से जुड़े मुद्दे, आपके दूध का सवाल हो, आपके किसी भी तरीके का सवाल हो, फसल बिकने का सवाल हो, कांटा लगने, सारा चीज का लड़ाई अमरा राम जी लड़ते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप एक वोटर के रूप में इस बार लोकसभा चुनाव में अमरा राम जी को वोट करें, और अमरा राम जी को वोट करके उनको संसद में भेजें। अगर आपने कर दिया तो दो चीजें हो जाएंगी। एक तो पहली आवाज जो है किसान की आवाज, देश के किसान का पक्ष रखने के लिए हिंदी भाषी राज्यों से कम एक बड़ा चेहरा संसद में होगा। अमरा राम से अच्छा व्यक्ति कोई मिलेगा? कैसे चाहते हो लोकतंत्र में? लोकतंत्र में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक उम्मीदवार का? कैसी जनता? जनता का भी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, सबकी, जो समाज के लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में एक अच्छा व्यक्ति चुन के आए, हम सबका जिम्मेदारी है। और अच्छा व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है? अमरा राम जी जो हमारे सामने हैं उनसे अच्छा कोई व्यक्ति और हो सकता है इस लोकतंत्र के लिए? जिनको आप चुनते हैं बीजेपी कांग्रेस के, क्या अमरा राम जी से बेहतर है वो? तो हम सबकी जिम्मेदारी है साथियों, सबकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के अच्छे लोग, अमरा राम जी जैसे लोग चुन करके जनता उनको चुने। इससे एक मैसेज ये जाएगा कि देश की जनता जागरूक है, दूसरा मैसेज ये जाएगा कि देश की जनता अच्छे लोगों को चुनना चाहती है, गलत और बेईमान और भ्रष्ट लोगों को, पैसा की ताकत को नकार रही है। ये जब होगा तभी हमारा देश का संविधान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारे अधिकार बचेंगे साथियों। यदि सारे पैसे वाले चुनाव जीतेंगे, पैसे की दम पर चुनाव जीतेंगे, हमेशा हम बिकेंगे, पैसे के रूप में बिकेंगे या जलवे के रूप में बिकेंगे, किसी भी तरीके से बिकेंगे, बिक करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तो ये गलत मैसेज जाएगा साथियों। तो मेरी आपसे अपील है, सारे युवाओं से, सारे व्यापारियों से, सारे पत्रकारों से, सारे बुद्धिजीवियों से, सीकर जिले की जनता से, कि वो अमरा राम जी को, कॉमरेड अमरा राम जी को इस बार वोट करें, वोट करके जिताएं और उनको दिल्ली की संसद में भेजें। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं इसी आशा उम्मीद के साथ ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और मैं जो भी हमारे सीकर के साथी इस वीडियो को सुने उनसे भी मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस सारे बुद्धिजीवी वर्ग को ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि वो सुन सके हमारी भावनाओं। ये सवाल व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल एक विचारधारा का है, ये सवाल हमारे देश की संविधान का है, ये सवाल एक दिशा देने का है, राजनीति को, राजनीतिक ताकत को एक दिशा देने का है। क्या हम इस राजनीति को चंद्र पूंजीपतियों का गुलाम रखना चाहते हैं, या इस राजनीति को अच्छे लोग, ताकतवर लोग, जो हमारे जनता के लोग हैं, जो दिमागी रूप से ताकतवर हैं, ईमानदार हैं,
ये सारे अच्छे लोग हैं उनको सामने लाना चाहते हैं। एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। आप किसके साथ खड़े हैं? आप किसके किसको मत दे रहे हैं? अपना सच्चाई को मत दे रहे हैं या झूठे भ्रष्ट दलालों को, विचारधारा के लोगों को मत दे रहे हैं? जो आप बीजेपी कांग्रेस का हालत है कि जो एक सोता बीजेपी में उठता कांग्रेस में, और सोता कांग्रेस में उठता बीजेपी में, और सीकर में तो खास तौर से दोनों बीजेपी के हैं, के बैकग्राउंड से हैं। पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी का उम्मीदवार हो गया है। तो आपसे अपील है कि आप इस सारे झमेले से बाहर निकल करके इस बार सीकर लोकसभा क्षेत्र से कॉमरेड अमरा राम जी को भारी मतों से जिताएं। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। थैंक यू।